सर वी ऑल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स यंग हैं कॉलेज में मस्ती मजाक चलता रहता है बट दे थिंक दैट दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग प्रोफेसर राठी एट द पॉइंट मजाक मस्ती में भी लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए और आज तुमने वो लिमिट क्रॉस कर दिया है कुछ इट वॉज वेरी इरिस्पॉन्सिबल ऑफ यू तुमने सिर्फ मजाक में 5 ग्राम अर्न कर दिया इट कुड हैव बीन वेरी डेंजरस सर मैंने कुछ नहीं किया मैंने तुम्हें खुद देखा है कुछ कॉरिडोर से भागते हुए तुम सर नहीं बोलोगे थैंकफुली आरजू बोल दे आरजू सच बताएगा आरजू कॉलेज में तुम्हें सब ट्रस्ट करते हैं तुम बताओ तुमने कुछ को फायर अलार्म बजाते हुए देखा था ना क्या तुम ऐसे कॉलेज में पढ़ना चाहोगी जहां पर ऐसे इरिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स का नेगेटिव इफेक्ट बाकी स्टूडेंट्स पर पड़ता हो आरजू से समथिंग तुमने कुछ को फायर अलार्म बजाने के बाद कॉरिडोर में भागते हुए देखा था ना सर नहीं वो ये लड़का नहीं था आरजू ये तुम क्या कह रही हो तुम थी वहां पर मैंने खुद देखा था देखो देखो आरजू तुम्हें अगर किसी ने धमकाया है तो तुम मुझे बताओ ध्यान से देखो आरजू तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं बोलो सर सर उसने हुड पहना हुआ था और फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग गया मैं नहीं देख पाई सर आरजू इसी हाइट का था ना देखो आरजू वो तुमसे टकराया भी था है ना आई एम सॉरी सर मुझे याद नहीं है सर मैंने तो पहले ही कहा था मैंने कुछ नहीं किया बोलने तो दो अंदर हुआ क्या तुम बच कैसे गया चिल गाइस चिल होना क्या था हमेशा होता है मुझे असिस्टेंट के साथ क्या कोई सबूत ही नहीं था कुछ यहां तो तुम बच गए बट यू नो वॉट आई डोंट हैव टू वरी क्योंकि जिस राह पर तुम जा रहे हो ना और जितना स्टडीज पर तुम्हारा ध्यान है तुम्हें फेल होने से कोई नहीं बचा पाएगा फिर तुम हमसे दूर नहीं भागोगे कुछ तुम्हारे डैडी भाग रहे होंगे बेचारे किसी और कॉलेज वालों को बुली करेंगे टू लेट यू इन अभी ये भाग रहा है बाद में डैडी भागेंगे Guys, how are you, buddy? All good? Hello.
हेलो ब्यूटीफुल। अबे ओए गुड़ क्या रहा है, बैठ हार गया, यू ओव मी अ ड्रिंक पन्ना, मेरे वाला ड्रिंक। हेलो गाइस, टाइम फॉर द सेल्फी विद द हॉटी। हॉटी मैं या तुम? सो हॉटी। यार गलती से मिस्टेक हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी यार। Hey, are you okay? Yes, I'm okay. Oh my God, देखो तो भाई साहब को हेल्प करने के लिए बहन जी दौड़ती हुई चली आई। How sweet. हाय, तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली मैंने नहीं, मतलब मैंने सोचा कि वो उस दिन तुमसे बात नहीं हुई थी ना, तो यू नो मैं श्योर, थैंक्स। Can I get you something? Chai? No, nothing. Actually, thanks. वो उस दिन ना तुमने मेरी शिकायत नहीं की ना? Thank you so much. No, it's okay. Hello guys. Meet Kush. ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है. Kush. Hi, hi sir. So तुम ही हो जिसने कॉलेज में फायर अलार्म सेट किया था? रिस्की हो सकता था, but no worries. वैसे जू ने मुझे तुम्हारी दूसरी प्राइंस के बारे में बताया था। So you must be one bright and naughty chap, huh? नहीं सर, bright कहाँ? Of course bright. किसी डफर बच्चे की बस की बात नहीं इस लेवल की प्रैंक्स प्लान करना। मुझे याद है वो जब तुमने स्टाफ रूम में सड़े हुए टमाटर रखे थे, मजा ही आ गया था। और वो जो दूसरी वाली जिसमें तुम, आपके फिल्म का क्लाइमैक्स मिस हो रहा है। ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया था। मैं चलता हूँ, सी यू लेटर गाइस। अच्छा सुनो, तब तक तुम दोनों मिलकर कोई अच्छी सी प्रैंक्स प्लान करो। See you guys. Sorry, Hops कुछ ज़्यादा ही excited हो जाते हैं. Actually ना, उनको भी ये सब pranks और fun मस्ती बहुत पसंद है. इसलिए share your prank with him. That's okay. वैसे Zoo? Pet name. Nice name. सिर्फ Pops मुझे Zoo बुलाते हैं. You know, आरज़ू का शॉट। Oh, okay. वैसे, I must tell you, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। You know, काश कॉलेज में हमारे टीचर ऐसे होते, तो मैं तो बच जाता। उस दिन भी तो वो टीचर्स से तुम बच गए। अभी के लिए तो बच गया हूँ, but मैं फेल हो जाऊँगा। बस then I'll go, कॉलेज से निकाल देंगे मुझे। Unless तुम एक prank play करो। Prank? देखो, college में सबको लगता है कि तुम fail हो जाओगे, लेकिन तुम सबको pass होके दिखाओ। ये prank इतना easy नहीं होगा। Easy हो सकता है, but definitely तुम्हें extra effort डालना पड़ेगा। Teachers भी extra effort डालेंगे मुझे fail करने में। अगर seriously try करोगे तो मुझे लगता है हो जाएगा। So will you help me in this? If you want me to, sure. और वैसे भी अगर तुम कॉलेज में नहीं रहोगे तो कितना बोरिंग हो जाएगा कॉलेज। नो मोर प्रैंक्स, नो मोर फन। एग्जैक्टली, कोई मेरी बात समझता ही नहीं। सो कल से
कुछ आई नो यू नॉट स्टूपिड, इन फैक्ट तुम इंटेलिजेंट हो, चीज़ें जल्दी सीख जाते हो तुम, देन वाई डोंट यू पे अटेंशन? वेल आई यूज टू पे अटेंशन, पर फिर प्रोफेसर्स को और क्लास में सबको लगता था कि मैं स्टूपिड हूँ. सो वैसे भी कितने मार्क्स आए इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई जस्ट नीड अ डिग्री, आफ्टर ऑल पापा का बिजनेस ही ज्वाइन करना है. तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो ना? या यू आर लकी, क्योंकि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं. सबके राज जैसे ही होते हैं. सबके नहीं होते. अब मुझे ही देख लो, मतलब मेरे डैड को ये भी नहीं पता कि मुझे कॉमर्स नहीं करना. अरे बस भी करो यार, तो लेट्स टेक अ ब्रेक. बोर्ड गेम. आरजू चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, उसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना कंपलसरी है. Yes. चलो, एंड यू आर मोर देन वेलकम टू जॉइन अवर फैमिली. श्योर. Congratulations young man, तुम सिर्फ pranks की rockstar नहीं हो, game के भी champion हो. Very well played. चलो, you guys continue. I'll catch you in a while. See you. Yeah. Bye. कुछ पढ़ाई की चिंता मत करना. I'm here. तो फिर कल वापस? Yeah. Classes के बाद मिले canteen में. और फिर हम घर वापस साथ में चलेंगे. What's it? अरे यार, मिकी और कृति ने अगर मुझे इसके साथ कॉलेज में देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? No. No. Why? मतलब अभी सबको पता चल जाए कि हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं. Like see,
एवरीबडी इज होपिंग कि मैं फेल हो जाऊंगा या खराब परफॉर्म करूंगा, पर जब रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे सब सरप्राइज हो जाएंगे, तो इसलिए तब तक। ओ, तो तुम चाहते हो कि ये बात हम दोनों के बीच में रहे, अ सीक्रेट? यस। फाइन, लेकिन तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ ओके, पर अगर मैं टॉप 10 में आ गया तो मेरी तरफ से तुम्हें एक जबरदस्त ट्रीट। पक्का। ओके, आई कैच यू लेटर। सी यू। कुछ पढ़ाई की चिंता मत करना, आई एम हियर। कुश, what happened? तेरा ध्यान कहाँ है? You know, sometimes you really act weird. I mean, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं and इधर उधर, what's wrong? इधर उधर? Are you mad? मेरा ध्यान तो सिर्फ तुम पर है. I'm the coolest, you know. कुश यार, ये acting करना बंद कर. तू दूसरों से छुपा सकता है, हमसे नहीं. हाँ. और आजकल हमें कितना avoid कर रहे हैं. अरे तुम लोग पागल हो क्या? मतलब यार, एक दिन तुम लोग के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो तुम लोग ऐसा करो, यही दोस्ती तुम लोगों की। राइट, टाइम वेस्टिंग के बीच में नो इंटरप्शंस। यस, कहीं तेरे कोई नई दोस्त वोस्त तो नहीं हो गई? अच्छा, तो ये है इसकी प्रॉब्लम, अब मैं समझा। प्रोफेसर आटीना तो यही सोच रहा है कि वो तुझे फेल कर देगा। वैसे भी हमारे इस कॉलेज में अपना सबसे कूल ग्रुप है, ये तो हर कोई जानता है। प्रोफेसर राठी, आई टेल यू, आई होप मैं पास हो जाऊं। तो चिल मार यार, प्रोफेसर राठी को हम देख लेंगे, डोंट वरी, हम है ना तेरे साथ। ओह गॉड, कहीं आरसू यहाँ तो नहीं आ रही? गाइस, हम लोग ना चलते हैं, ड्राइव पर चलते हैं, बहुत अच्छा। चलो गाइस, सब करवा दूंगा मैं। ओके, इट्स ऑन मी, द राइड इज ऑन मी यार। पहले पेट्रोल ना। हां, सब। अरे चलो। आ जाओ। चाय? या, ऑफ कोर्स। भैया, दो चाय देना। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। सब कुछ कितना ब्यूटीफुल लगता है। यस, इट डस। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है इस वेदर के साथ, आई नीड बाइपर्स फॉर माई ग्लासेस। अब वाइप करूं या चाय पीऊं? चाय बुरा मान जाएगी, पहले चाय पीते हैं बाकी सब बाद में, राइट? एक बात कहूँ अर्जु? यू नो, आई फील कि तुम ना, तुम कॉलेज की सबसे पॉपुलर गर्ल बन सकती हो। देखो, तुम टॉपर तो हो ही और खूबसूरत भी हो। यू जस्ट नीड अ लिटिल मेकओवर, थोड़ा कूल एंड हिप। नो थैंक्स कुश, आई डोंट थिंक दैट इज हु आई एम। मुझे ये सब पसंद नहीं है। आई मीन, क्या बुराई है मेरे कपड़ों में? इतने कूल नहीं है, लेकिन दे आर कंफर्टेबल, दैट्स व्हाई आई वेयर देम। देखो, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। लाइक लुक एट मी, दे लव मी इन कॉलेज, दे लाइक माय प्रैंक्स, दे वांट टू हैंग आउट विद मी, और यू नो कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट दिस। आई डोंट थिंक सो, कॉलेज लाइफ इज अबाउट मेकिंग फ्रेंड्स। तो मैं क्या कुछ नया बोल रहा हूँ? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मेरे प्रैंक्स की वजह से मैं कूल हूँ और मेरे इतने सारे दोस्त हैं। तो तुम्हें लगता है दोस्त नॉबी किड्स?
जिनके साथ तुम हैंग आउट करते हो वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। वो सब फ्रेंड्स तुम्हारा हर प्रैंक एंजॉय करते हैं, मजे लेते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा तुम्हारे किसी भी प्रैंक का ब्लेम शेयर करते हुए। और आज जब सारे टीचर्स तुम्हारे फेल होने का वेट कर रहे हैं, आई डोंट सी अ सिंगल फ्रेंड जो तुम्हारी हेल्प करने आया है, तो वो दोस्त कैसे हुए? आई डोंट मीन टू हर्ट यू, बट मुझे नहीं लगता कि ये दोस्ती है। इसलिए मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ, उनके साथ हूँ जो मेरे लिए है। उन लोगों के लिए क्यों बदलूं जो जरूरत में मेरे साथ होंगे ही नहीं? ओके अच्छा चलो, तो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप बताओ, कोई है मेरा रियल फ्रेंड? मी। कल रिजल्ट्स का वेट भी खत्म हो जाएगा। I know, but I'm sure सब ठीक हो जाएगा। तुमने इतना हार्ड वर्क किया है। Besides, they're just exams. तुम्हारे सारे एग्जाम्स ठीक हुए थे, राइट? आरजू, मेरी ये बात सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, पर लाइफ में पहली बार रिजल्ट्स को लेकर मैं नर्वस नहीं हूँ। And that's all because of you. Anyway, मुझे निकलना चाहिए। Oh my God, dude, you are a star. सच में? Unbelievable यार, तुझे तो salute बनता है, boss. What happened? तू यहाँ what happened करती रह जाएगी। वहाँ कुछ results में कमाल कर दिया है, sixth rank. मेरे तो सपने में भी नहीं आते sixth rank. Oh my God, my baby, I'm so proud of you. ये तो मुझे पहले से ही पता था। तू साला fraud, तुझे कुछ के results के बारे में पहले से पता था ना? और end में आ जाता है तू credit लेने के लिए। मेरे कहने का मतलब ये कि मुझे ये पता था कि वो अपना professor राठी से ना कुछ भी नहीं होने वाला। Thank you so much. Congratulations, yeah. Thank you. Thank you so much. Hey. Congratulations. मुझे पता था, you're gonna surprise everybody.
I'm so happy for you. और as promised, रात में 8 बजे my treat. Oh my God, कुश, ये बहन जी तुझे ना शायद डेट शीट पे ले जाना चाहती। लेकिन यार तूने हमें बताया नहीं कि तू एग्जाम में अच्छा रैंक लाने के साथ साथ इस बहन जी को भी कंसीडर करने लग गया, वो भी डेट के लिए। यार हम तेरे दोस्त हैं, हमें तो बताना चाहिए ना। मैं तुम्हारे साथ शक्ल देखिए आप अर्जु, मेरी बात सुनो अर्जु। अर्जु, I know we decided, okay? कि हम डिनर पे चलेंगे, पर तुम ऐसे सीधा आकर मुझसे डिनर के लिए नहीं पूछ सकती। Why? Why can't I do that? हमने डिसाइड किया था कि हम एग्जाम्स के बाद इसे सीक्रेट नहीं रखेंगे, पर आई सपोज तुम चाहते ही हो कि हम सीक्रेट फ्रेंड्स फॉरएवर रहे। Is that so? अर्जु, you are not understanding my point. कुश, या तो मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या नहीं हूँ। लिसन, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, ओके? ये मेरी गलती है, बट हर एक चीज ब्लैक या व्हाइट नहीं हो सकती। तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, हम दो अलग पर्सनालिटीज हैं, और मेरा फ्रेंड सर्कल तुमसे बहुत अलग है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी ट्रू फ्रेंड हूँ? गेस व्हाट, अपने ट्रू फ्रेंड्स की लिस्ट में से मेरा नाम हटा दो। मुझे लगा था कि तुम सब लोगों से अलग हो, but I was so wrong. तुम्हें मेरे साथ कॉलेज में घूमने में शर्म आती है, या फिर तुम्हें अपने फ्रेंड्स के सामने मेरे लिए स्टैंड लेने में शर्म आती है ना? I can't be friends with you. This can't happen. तो तुम चाहते हो कि ये बात हम दोनों के बीच में रहे, अ सीक्रेट।
this one's nice. Oh my God, look, Miss Behenji is here. आकाश, मैं क्या सोच रही थी ना, अब जबकि तुम्हारा सिक्स्थ रैंक आ गया है, you know, so happy. If you don't mind, can you go out for a date with me? Of course. क्यों नहीं? आइडिया तो वैसे बहुत अच्छा है, पर मैं इन बहन जी जैसी लड़कियों के साथ डेट कर नहीं सकता. मेरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा. अरे आप कब आई? मिक्की, बैर, बैर आजा. So bad. So sorry. माफी मांग, माफी मांग. आइए, आइए ना. एक मिनट भाई. आपका चश्मा ना गंदा है, कचरा है. आकाश, don't be so rude, यार. तुम्हें क्या लगता है? खुश के पास जाओगी, तो हमारे ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी. हमारे जैसा बनोगी तुम. Don't even think about it. Oh, Benji, तुम चाहे कितना भी try कर लो ना, कुछ तुम्हें कभी घास नहीं डालते. You know why? क्योंकि तुम हमारे जैसी हो नहीं और कभी बन भी नहीं सकती. इस लड़की की वजह से तू मुझसे झगड़ा करेगा? पागल हो गया? वो होती कौन है हाँ? उस लड़की की वजह से तू मुझ पे हाथ उठा रहा है? Guys, stop it, yeah, please, Kush, back off. What the hell is wrong with you, Kush? तुम इस भेंजी के लिए झगड़ रहे हो? You're acting as if you're in love with her, yeah? Kush, you're really in love with her? Please tell me what's going on, Kush. Will you answer me? Are you in love with this girl? Yes, I'm in love with her. Yes. और तुम लोग जिसे जिसे बहन जी कहते हो ना, ये बहन जी को ना तुम सबसे ज्यादा भरोसा है अपने आप पर. शायद तुम लोगों को मिलाकर भी अपने आप पर नहीं होगा. कॉलेज में पॉपुलर होने के लिए मेकअप और छोटे कपड़े नहीं पहनती वो. दिल नहीं दुखाती किसी का. एंड बिसाइड्स दैट, भरोसा करती है मुझ पर. एंड यू नो व्हाट, शी इज माई ट्रू फ्रेंड. तुम लोगों की तरह सो कॉल फ्रेंड्स नहीं है मेरी वो. सो आज के बाद डेयर नॉट से एनीथिंग टू हर. Thank you.
गलती मेरी थी, मैंने हमेशा तुम्हें बदलना चाहा, अपने दोस्तों की तरह बनाना चाहा, पर कभी ये नहीं देखा कि तुम अलग हो, और अलग होने के बावजूद भी तुम खूबसूरत हो। तुम ये कहती थी ना कि मैं अपने सो कॉल फ्रेंड्स के सामने स्टैंड नहीं ले सकता तुम्हारे लिए। Here I am, taking a stand, सबके सामने। I'm not ashamed to be with you. I love you. I genuinely love you, Arzu. I love you too.